काली भद्दी, डल और बेजान स्किन फेस कर रहे हैं सभी इन गर्मियों के मौसम में ये सारी प्रॉब्लम्स। हेलो एवरीबॉडी, आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसा जो कि इजी होगा, नेचुरल होगा, घर पर होगा और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला होगा। देखिए, ब्लीच हम सभी समझते हैं, ब्लीच करने से हमारी स्किन की काफी सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाती है, स्किन बहुत क्लीन हो जाती है, डलनेस दूर हो जाती है और स्किन पर एक नेचुरल सा यूथ हमें नजर आता है। सो हम सभी वो मार्केट वाली ब्लीचेस को यूज ना करके घर पे ऐसा कुछ यूज करें जो कि ब्लीच वाले रिजल्ट्स भी हमें दे और ब्लीच वाला नुकसान भी हमें ना हो। तो पॉइंट यही है कि नुकसान ना हो और बेनिफिट्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ एक बेहतरीन वाली DIY ब्लीच जो कि पोटैटो यानी आलू की हेल्प से हम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट टू मेक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी फॉर लेटेस्ट एंड अमेजिंग अपडेट्स। हमें फर्स्टली नीड होगी यहाँ पर पोटैटो की, सभी के घर में होता है और मैं आपको इसकी कुछ खासियत, कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं। स्किन ब्लीचिंग के लिए आलू जबरदस्त इफेक्ट देता है क्योंकि स्टार्च के साथ साथ विटामिन सी ब्लीचिंग एजेंट है जो कि हमारी स्किन के अंदर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, सफाई करता है, सारी डार्कनेस को निकालने में हेल्प करता है। तो जी आपको क्या करना है, जी आलू को अच्छी तरह से वॉश करना है और पील कर लेना है जिससे कि हम आसानी से इसका जो जूस होगा वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। बहुत सी वीडियोस में मैंने इसको यूज किया है, बहुत सी रेमेडीज में यूज किया है एंड बिलीव मी जब भी मैं इसको यूज करती हूँ कमाल का रिजल्ट और बेनिफिट मिलते हैं। जिन लोगों को कंप्यूटर्स पर काम करने की वजह से स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन सब की वजह से डार्क सर्कल का प्रॉब्लम हो गया है वो भी अपने आईज के आसपास पोटैटो जूस को लगा सकते हैं। आलू का रस निकालने के लिए इसको मैंने ग्रेट करना है, अच्छे से घिसना है ताकि इसका प्योर जूस हमें मिल जाए। तो अच्छी तरह से मैं इसको ग्रेटर की हेल्प से घिस रही हूँ। आफ्टर दैट ये प्रोसेस करने के बाद आपको करना है स्ट्रेन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेनर यूज कर रही हूँ। स्ट्रेनर के अंदर डालकर हम इसका सारा जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड गाइस यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास ये आलू का जूस तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको यूज करना है। फर्स्टली हमें यहाँ पर एक बॉल की जरूरत होगी, तो यहाँ पर मैंने एक अलग से बॉल ले लिया है। और अब यहाँ पर फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉफी पाउडर। कॉफी हमारी त्वचा को रिपेयर करने में हेल्प करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 स्पून कॉफी यूज किया है। अब यहाँ पर स्क्रबिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ रेड लेंटिल पाउडर जो कि मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे रेड लेंटिल पाउडर। अगेन हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी बेसन और इस ब्लीच को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ऐड करेंगे हम इसके अंदर दही 1 चम्मच और फिर हम डालेंगे इसके अंदर पोटैटो जूस। नाउ यू कैन मिक्स द ऑल इंग्रेडिएंट प्रॉपरली एंड अपने इसका एक स्मूथ और बेस्ट पैक बनाना है तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस रेडी हो जाता है कुछ इस तरह से आपका ये DIY पैक जो कि आपकी स्किन पर एज अ नेचुरल ब्लीच काम करता है। दोस्तों इसको यूज करने से पहले एक तरीका और बता देती हूँ। पतली सी स्लाइस लेना पोटैटो की, इसको फेस पर अप्लाई करना जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ और अप्लाई करने के बाद चेहरे को ताजे पानी से वॉश कर लेना, ड्राई कर लेना एंड देन आप इस पैक को लेकर अपने फेस पर अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद इसको सर्कुलर मोशन में आपने जेंटली मसाज करना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो हमारी स्किन की सेल्स होती है वो रिजुवेनेट होती है और काफी अच्छा ग्लो आपकी स्किन को मिलता है। सो इसके 2 पॉइंट्स होते हैं मसाज करने के। एक तो मसाज करने से आपकी स्किन की ऊपरी जो भी डर्ट इम्प्यूरिटीज होती है वो निकल जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट होता है स्किन का यूथ बढ़ता है। तो अच्छे से मसाज करें नीचे से ऊपर की तरफ एंड देन आप इसको अप्लाई करके छोड़ दें। अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम है तो जरूर रखें, अदरवाइज आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए भी रखकर वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेगा, ट्राई करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट में एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट जरूर दिया करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर